नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे शिव भक्त की गाथा जिनके प्रवचनों को सुनकर सुनसान पड़े हुए शिव मंदिरों में भी भीड़ होने लग गई। जी हम बात कर रहे हैं श्री प्रदीप मिश्रा जी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। श्री प्रदीप मिश्रा जी का जन्म सन 1980 में मध्य प्रदेश में सीहोर नामक जिले में हुआ है। बचपन की पढ़ाई मिश्रा जी ने सीहोर जिले से ही पूरी की है। इनके पिता का नाम श्री रामेश्वर दयाल मिश्रा जी है। बचपन से ही मिश्रा जी पढ़ाई में बहुत तेज थे। बचपन से ही पुराणों का अध्ययन करना शुरू कर दिया तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली और सारे धार्मिक ग्रंथ और हिंदू धर्म शास्त्रों तथा पुराणों का गहन अध्ययन किया। एक दिन मिश्रा जी पढ़ाई पूरी करने के बाद मन में सोच रहे थे कि इस कलयुग में लोग मंदिर नहीं जाते, भगवान को भूलने लगे हैं, धर्म को लोग छोड़ते जा रहे हैं। बस इसी विचार को लेकर मिश्रा जी ने जो पुराणों का अध्ययन किया था उस पर काम करने की सोची और सब डिग्री छोड़कर लग गए धर्म का प्रचार करने में। सर्वप्रथम मिश्रा जी ने श्रीमद् भागवत का प्रवचन करके लोगों में भक्ति का माहौल बनाया, लेकिन बहुत दिनों तक भागवत जी का प्रचार करने के बाद भी मन में शांति नहीं थी। और एक समय फिर वो आया जब प्रदीप मिश्रा जी को शंकर भगवान की प्रेरणा से शिव महापुराण करने का सौभाग्य मिला और तभी उसी दिन से मिश्रा जी बन गए शिव भक्त और शिव जी की कथा जन जन तक पहुँचाने लगे। शिव कथा के रूप में लोग मिश्रा जी को पसंद करने लगे और आज मिश्रा जी की लोकप्रियता इतनी है कि घर घर में लोग मिश्रा जी को जानते हैं। मिश्रा जी गृहस्थ जीवन जीते हैं, पत्नी तथा बच्चों के साथ शिव जी के भक्त हैं। आज बड़े बड़े वक्ताओं में मिश्रा जी का नाम लिया जाता है तथा इनके द्वारा बताए गए शिव जी के टोटके लोगों को बहुत पसंद आते हैं। अगर आप भी सनातनी हैं, शिव भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ कमेंट में जरूर बताना कि आगे आप किस सनातनी का चरित्र श्रवण करना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।